हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, टूटॉप पास पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब अगर हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो जर्नल में उसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे, आइए पहले मैं एक झलक आपको वो दिखा देता हूं। यहां पर आते हैं हम, डिस्प्ले में आए, कोई भी एंट्री आपको देखनी है, डिस्प्ले, डे बुक और अपना डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, वो आपको दिख जाएगी। हमने एयर कंडीशन परचेज किया था, देखिए एयर कंडीशन एक तो ये था, दूसरा एयर कंडीशन हमारा ये हमें लास्ट वीडियो में परचेज किया था, लिखा हुआ है जनरल वाउचर, डेट लिखी है 2 मई, एयर कंडीशन परचेज किया था जो 28,000 का था, 28,256, उनपे जीएसटी लगाया गया, तो देखिए जीएसटी लिखा हुआ है 5,040, 5,040, मोहित से खरीदा था मोहित। तो यही एंट्री, अगर सेम यही एंट्री अगर हम परचेज में करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर मैं आपको ये एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एंट्री दोबारा हो जाएगी। मैं आपको एक न्यू एंट्री करके दिखाऊंगा जो हमारे डॉक्यूमेंट में दे रखी है, पर करेंगे किसमें, परचेज वाउचर में होगा सेम इफेक्ट यही। और जो थोड़ा सा इफेक्ट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हमने एक चीज और देखी थी कि जब हम बैक गए थे, डिस्प्ले, स्टेशनरी रिपोर्ट, जीएसटी और GST R2 जहां परचेज आता है, यहां पर आप देख रहे थे, तो यहां पर पीरियड डाल के भी देख लेंगे तो आपको क्या कहते हैं कैपिटल गुड्स, जो नेचर इज कैपिटल गुड्स, वो आपका यहाँ पर उसका CGST या SGST नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी सिर्फ ये आइटम का दिखा रहा है, क्योंकि ये परचेज वाउचर से रिलेटेड दिखा रहा है। अगर हम उसे परचेज कर लेंगे, वैन अभी हमारे पास जो है, अगर हम उसे परचेज वाउचर में परचेज करेंगे तो 100% उसका इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि परचेज से रिलेटेड जितना भी चीज है वो यहाँ पर दिखाता है। वो आपने जर्नल में परचेज किया था इसलिए उसका इफेक्ट यहां नहीं था, हाँ बट उसका इफेक्ट देखेगा तो है, तो कहां दिखाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहां पर जब आप आए ड्यूटी एंड टैक्सेस में, तो ये आप पे आपको दिखा CGST और SGST, देखिए यहां लिखा है जर्नल में लिखा है मोहित 5,040, सेम ऐसे यहां पर देखेंगे SGST में भी आपको नजर आएगा मोहित 5,040, बट इसका इफेक्ट वहां नहीं दिखा। तो इसका इफेक्ट वहां भी लाने के लिए ही हम परचेज वाउचर में फिक्स एसेट को लिखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले परचेज वाउचर में आते हैं, F9 करके, जो F9 है परचेज वाउचर का शॉर्टकट की है, F9 आपने F9 प्रेस किया, F9 पर आ गए, परचेज वाउचर ओपन हो गया आपका, डेट डालेंगे जो डेट दे रखी होगी, डेट नहीं दे रखी हो तो आप 2 मई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है परचेज सप्लायर, परचेज सप्लाई इनवॉइस नंबर, देख लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है, परचेज वैन 4,05,00,000, मेक द पेमेंट बाय ICICI बैंक एंड एंटर इन परचेज वाउचर। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके आगे जो दिया हुआ हिंट दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है आपको F12 प्रेस करना है, अगेन F12 प्रेस करना है और अलाउ करना है फिक्स एसेट्स इन जनरल वाउचर, इन परचेज वाउचर। तो आइए टैली में आ जाते हैं, यहीं पर आकर हमें F12, अगेन F12 और टॉप पर ही लिखा है अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स फॉर अकाउंटिंग एलोकेशन, और ये यस है, नो होता तो यस कर लेते, और हमारा तो ऑलरेडी यस है, कंट्रोल एस विंडो सेव, कंट्रोल एस विंडो सेव। यहां पर परचेज का सप्लायर नंबर लिखते हैं, तो PUR/VAN/01, डेट यहाँ गई, पूछा गया पार्टी, पार्टी आपका क्या था, पार्टी नहीं है, डायरेक्ट ICICI बैंक से, तो ICICI बैंक लेंगे, कोई इसमें ऑर्डर वगैरह तो है ही नहीं हमारा, तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। पूछा गया परचेज, तो परचेज में आ रही एंट्री, पर परचेज हो ना, ये तो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको Ctrl+V प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+V फॉर इन्वेंट्री मोड, क्योंकि परचेज की एंट्री हमेशा इन्वेंट्री मोड में होती है, तो Ctrl+V प्रेस करिए, देखिए यहां पर आ गया Ctrl+V, डेबिट क्रेडिट आ जाएगा आपका। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आप क्या नाम है F12 में जाएंगे, F11 F2 करेंगे और वहां पर उसको लिखा हुआ, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, F11 F2 करेंगे, या 1 में भी आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल इनवॉइसिंग, इसको यस करना, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर देना, बाकी आपका ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर ये आ गया, लिखा क्रेडिट, क्रेडिट पहले बैंक होगा। तो अब हमें इसमें ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है कि हमारे पास कंट्रोल एन से, देखिए मैं आपको बता दूं, कंट्रोल ऐसे एन से आपका कैलकुलेटर ओपन होता है। जिस कैलकुलेटर को आप नॉर्मल देख सकते हैं उसकी एंट्री डायरेक्ट यहां पर नहीं होगी, जो ब्लैक कर्सर नजर आ रहा है आपको। कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, बोला था 5 लाख है हमारे पास इंटू 12%, 28% इस पर जीएसटी है, यानी 14 करके तो इंटू 14%, ये निकल गया हमारा 70,000 रुपए। यानी 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 प्लस में आपका हो गया 5 लाख, तो यानी कि हो गया 6,40,000। टोटल जो पेमेंट आपकी जेब से होगी वो होगी 6,40,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख देते 6,40,000 रुपए, 6,40,000 रुपए, एंटर। चेक का कोई नंबर तो दिया होगा आपने, इसे चेक जा रहा होगा, डेट होगी। बोला डेबिट में क्या करना है, डेबिट में आपको क्या करना है, आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, वैन। देखिए वैन बना रखा है आपने, नहीं बना रखा हो तो बना लेंगे, परचेज टैक्सेबल होगा, दिल्ली में खरीदे हैं, नहीं बना रखा होगा तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जाके वैन फिक्स एसेट्स, जीएसटी एप्लीकेबल यस, सेट डिटेल यस, वैन इसका एच एस एन नंबर लिख देंगे, परचेज में आएगा, कैपिटल गुड्स आएगा, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे लिखा 12%, हमें कितना लगाना 28%, तो 28% सेट कर दिया हमने, गुड्स है सेट, परचेज टैक्सेबल। क्या इतने हजार का गुड्स है, नहीं, हमारा गुड्स कितना, सिर्फ 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए लिखा। फिर डेबिट में क्या होना है, इनपुट सीजीएसटी भी तो लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, कैलकुलेशन होगा खुद नहीं आएगा ये, हमें लिखना पड़ेगा कितना लगाया था, 28% निकाला 70,000, दोबारा इनपुट एसजीएसटी लगाया 70,000, लिख देंगे बीइंग व्हेन परचेज फोरकास्ट या बाय बैंक लिखिए, बाय बैंक, एंट्री सेव हो जाएगी। अब देखिए एक बार चल के देख लेते हैं क्या इसका इफेक्ट वहां दिख रहा है, रिपोर्ट देखना जरूरी है। डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए डी प्रेस कर सकते हैं, इसे रिपोर्ट ओ प्रेस कर सकते हैं, जीएसटी रजिस्टर टू, अब देख लीजिएगा, पीरियड डाल देता हूं मैं, एक एफ ऑल्ट एफ वन करिए, डिटेल नजर आएगी। देखिए परचेज टैक्सेबल 5 लाख की वैन थी, 70,000 आ रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी, टोटल जीएसटी कितना लगा आपका 1,40,000। ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट आप यहां देख सकते हैं। दूसरा इफेक्ट आपको एक जगह नजर आएगा, बैलेंस शीट एफ ऑल्ट एफ वन, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, देखिए एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक लिखा है 70,000। इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं एसेट्स को इन परचेज वाउचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर दोस्तों वॉचिंग के लिए।